हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं मीठापुर से महोली एलिवेटेड रोड का अपडेट दिखाने और मैं चल रहा हूं आपको जस्ट जयप्रकाश नगर के बगल में। तो मीठापुर की तरफ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको गया रेलवे लाइन के जस्ट बगल में आपको कहलाता है चांदपुर बेला, दुपुलवा और तीन पुलवा। तो इन सब एरिया के जस्ट बगल में आपको मैं एलिवेटेड रोड का अपडेट दिखा रहा हूँ कि किस हद से काम यहाँ होना है। आ चुके हैं मीठापुर फ्लाई ओवर पे और देख सकते हैं उस साइड में आपको गड़बड़िया रेलवे स्टेशन और उस साइड से अगर इधर आप आते हैं तो इस ब्रिज के जरिए, मतलब ये जो है आपको मीठापुर फ्लाई ओवर कहलाता है, रोड के उस साइड में जा सकते हैं आप यारपुर गर्दनी बाग के तरफ। तो ये रास्ता जस्ट आपको गया का जो रेलवे लाइन है उसके बगल से होते हुए पारा होते हुए इतवारपुर कुरथौल और इस तरह से पुनपुन की तरफ पहुंच जाता है। हम बताने वाले हैं वो एलिवेटेड रोड के बारे में। तो मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड जो बनने वाला है तो यहीं से आपको कनेक्ट होने वाला है और यहां से कनेक्ट होकर इसमें मिल जाएगा। तो मीठापुर से महोली वाला एलिवेटेड रोड जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद से आप यहां से डायरेक्ट गाड़ियां, यहां से जो एलिवेटेड रोड रहेगी तो डायरेक्ट आप मीठापुर से महोली की तरफ जा सकते हैं आराम से, बिना बीच में रुके हुए, बिना बीच में ट्रैफिक में फंसे हुए। तो चलिए चलते हैं और इस बीच में रोड का क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, किस तरह से क्या है, चलिए हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड इसी रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में बनना है और देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेनेज पार्ट्स का भी काम हो रहा है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। तो इस तरह से जो है आपको आज है ना, हम जितना भी यहाँ से बनने वाला है मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड गया रेलवे लाइन के जस्ट बगल में, उसी का अपडेट दिखाने वाले हैं कि किस तरह से अभी क्या अपडेट इस रूट में। रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा ये मिट्टी का टीला है ये सब, तो यही वही है जहाँ पे आपको मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड जो कि आपको मीठापुर की तरफ से शुरू होने वाला है जाएगा सिपाड़ा की तरफ। तो इस तरह से हम रेलवे ट्रैक पे आ चुके हैं और मीठापुर के जो फ्लाई ओवर है वहाँ से हम आगे बढ़ चुके हैं और देख सकते हैं ये बगल में जो है आपको ड्रेनेज पार्ट का काम हुआ है, चलिए नज़दीक से दिखा देते हैं। और इस तरह से भी साफ सफाई हुआ है, मतलब ये कहिए कि एलिवेटेड रोड का काम जिस तरह से होते हुए आ रहा है ना उस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ मशीन भी लगी हुई है और यहाँ पे पहले ही साफ सफाई कर दी गई है ताकि जब काम यहाँ पर लगे पिलर का पाइलिंग के लिए तो किसी तरह की रुकावट ना हो और काम धड़ल्ले से आगे की ओर होते रहे। तो ये नाला है जो कि मुझे पार करना पड़ेगा, अगर मैं उस तरफ जाता हूँ तो ये नाला को पार नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से है देख सकते हैं और आगे में जो मशीन लगी हुई है आपको, तो ये है आपको पाइलिंग के लिए। तो चलिए धीरे धीरे अब उस तरफ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड के लिए जस्ट हम गया रेलवे लाइन के जस्ट बगल से ये जो रूट है जो जाता है कुरथौल होते हुए आपको गया की तरफ और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जो ड्रेनेज पार्ट्स का भी काम हुआ है तो ये कहलाता है आपको गया जो ये रूट है ना, तो इसे जस्ट बगल में आपको दो पुलवा कहलाता है जो कि मीठापुर से जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में होगा और ये दो पुलवा के जस्ट सामने ही है ना, आपको देख सकते हैं वो मशीन लगी हुई है पाइलिंग के लिए जो कि मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड के लिए बनना है। दो पुलवा इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पुल के नीचे में दो मतलब इस तरह से है मतलब नाले के लिए बहाव। तो चलिए उस साइड से अब दिखाते हैं हम, उससे पहले हम उस साइड से दिखा रहे थे अब इस साइड में आ चुके हैं और देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर देख पिक चलना पड़ता है। तो चलिए अब नीचे से उतर के हम उस साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ जेसीबी वगैरह लगा हुआ है और पाइलिंग मशीन, तो किस तरह से क्या काम हो रहा है यहाँ से। तो उधर से होते हुए आ रहे हैं देख सकते हैं, इस तरह से है आपको कनेक्टिंग के लिए दो पुलवा, इसलिए इसकी पुल का दो मुँह है यहाँ पर नाले का पानी के लिए। और वहाँ साइड में देख सकते हैं आपको मीठापुर मेट्रो स्टेशन है, इसका मैंने अपडेट दिया था पिछला बार। तो पुलवा के जस्ट सामने ही हम यहाँ पहुँच चुके हैं और ये जो खाली ज़मीन है आपको मीठापुर जस्ट मेट्रो स्टेशन है और मीठापुर जो पुराना वाला बस स्टैंड है ना उसका आपको एरिया जस्ट आपको उस साइड में दिख जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज का भी जो काम है, आपको इस तरह से नाले का पानी बह रहा है और यहाँ पर यह मशीनें लग चुकी है, मतलब ये दो पुलवा के सामने तक है ना काम पहुँच चुका है। तो चलिए अब आगे का अपडेट दिखाने के लिए हम इसी रोड में आगे बढ़ते हैं और आगे से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मेन रोड जो हाईवे है उस रोड से नीचे इस साइड में आ चुके हैं और इसका जो एरिया का बात करें तो कहलाता है चांदपुर बेला दुर्गा मंदिर के पास और जस्ट इसके अपोजिट में, चलिए हम दिखाते हैं।
चंद्रपुर से सिपाड़ा की तरफ जब बढ़ते हैं तो चांदपुर बेला के बाद आपको मिलता है तीन पुलवा। अब तीन पुलवा का जस्ट उस साइड में किस तरह से महिठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का काम हुआ है चलिए दिखाते हैं। तो रेलवे ट्रैक के किनारे देख सकते हैं इस साइड से जमीन है कम से कम 8 फीट से 10 फीट है ना डाउन है, मतलब ये कह सकते हैं कि ये नाले का पहले पूरा तरह से नाले का पानी बहता था और यहाँ पर डेवलपमेंट जैसे जैसे होने लगा उस तरह से जो है इसे तस्वीर बदल चुकी है। उर्दू फारसी कॉलेज है ना जस्ट उसके पीछे से इस तरह से देख सकते हैं नाला वगैरह बह रहा है और ये तीन पुलवा जो कि आपको गया रेलवे लाइन का ये जस्ट बगल का आपको ये एरिया कहलाता है। और इस साइड से मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड का, कह सकते हैं कि इसका वर्क जो है वो सिपाड़ा की तरफ से होते हुए इस तरह से आगे की ओर आ रहा है और ये है ड्रेनेज का काम और इस तरह से इसका कुछ बनावट है देख सकते हैं और नीचे नीचे नाला बह रहा है। और पीछे में एक मशीन तो लगा हुआ था पाइलिंग वाला तो फिलहाल उससे पीछे अगर सिपाड़ा की तरफ बढ़ते हैं तो मुझे तो कोई वर्क दिख नहीं रहा है तो मैं मीठापुर की तरफ से आपको दिखाते हुए आ रहा हूँ दोस्तों। आई से देख सकते हैं कोई खास मतलब वर्क नहीं हुआ है, बस ये कह सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जो है मिट्टी वगैरह यहाँ पे भरा गया है और इस तरह से जो है मिट्टी जमेगा और बैठेगा और उसके बाद है ना इसी पर ना से पिलर बनता जाएगा और एलिवेटेड जो रोड है वहाँ से इस तरह से ऐसे गुजरेगा। अब मेरे ख्याल से ये जो एलिवेटेड रोड बनेगा तो उसके नीचे शायद सर्विस रोड देना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। फ्यूचर में बहुत तरह के डेवलपमेंट होते रहते हैं क्योंकि जब एलिवेटेड रोड बन जाता है ना तो उसके नीचे से अगर कोई रास्ता वगैरह मिल जाता है तो कुछ अलग बात होता है, तो फ्यूचर में जैसा होता है हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं दिखाते हुए इस तरह आगे बढ़ रहा हूँ, बगल में आपको पावर ग्रिड जो कि इस तरह से देख सकते हैं मीठापुर के जस्ट बगल में और ये हो गया आपको सिपाड़ा पुल, इसके इस साइड में मैं आया हूँ इस तरह से देख सकते हैं जंगल झाड़। तो आगे में मैंने पूछा तो वहाँ वो पिलर पाइलिंग का मशीन लगा हुआ था तो मैंने पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ तक जो है पाइलिंग का काम हो चुका है लेकिन मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा है, मतलब ऐसा है कि आपको ये जो सिपाड़ा पुल है उसी तरफ जो है ना पाइलिंग का काम अभी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है कि उस साइड में आपको पिलर का काम लगा हुआ है और इस साइड में पाइलिंग होते हुए आगे चला जाएगा क्योंकि अगर पाइलिंग करके छोड़ दिया जाएगा ना तो वो खतरनाक होता है, मतलब ये कह सकते हैं वो पाइलिंग में है ना कुछ गिरने उड़ने का या डर रहता है तो पहले से ये सब नहीं होता है। हम बातें करते करते आपसे पहुंच चुके हैं सिपाड़ा पुल के नज़दीक में और इस तरह से यहाँ पर जो है आपको रास्ता ख़त्म हो जाता है। इस तरह से दोस्तों हम पहुँच चुके हैं आपको सिपाड़ा पुल जो बना हुआ है तो उसी के जस्ट लास्ट छोर पे और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से है जो आपको सिपाड़ा पुल का ये एरिया है और इसके नीचे का हम आपको दिखा रहे हैं लास्ट। तो इस साइड में कुछ वर्क नहीं हुआ है, किस तरह से क्या हुआ है बहुत लोगों का जानना था कि कृपया दिखाइए बताइए। अच्छा मैं तो सिपाड़ा पुल है अब रास्ता है नहीं, मुझे वापस जाना पड़ेगा और फिर ऑन रोड से फिर उस साइड में आके आपको अच्छे से दिखाते हैं। अगर बात करें मैंने कितना बार जो गया रेलवे लाइन है उससे ट्रेन के जरिए मैंने दिखाने की कोशिश किया तो आपको वो व्यू दिख नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे जो है ना देख सकते हैं जंगल है जिसके कारण कैमरे की जो नज़र है ना यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो मैं बस चलते चलते आपको दिखा रहा हूँ और आगे तक चलिए दिखाता हूँ कि इस सिपाड़ा पुल के उस साइड में किस तरह से क्या वर्क। तो मैं मीठापुर की तरफ से दिखा रहा था सिपाड़ा पुल के इस साइड में आ चुका हूँ और ये देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पे इतने सारे मजदूर बैठे हुए हैं अपने काम के लिए तो डेली रोजाना इनको है ना काम की तलाश में यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको यह भूपतिपुर की तरफ से रैंप बनना है जो धीरे धीरे आपको देख सकते हैं इस तरह से जो है आ रहा है रास्ता और यहाँ पे बालू और बीच के इस तरह से साइकिल गाड़ियाँ थ्री व्हीलर इस तरह से आने के लिए स्टार्ट हो गई हैं। इससे रास्ता चला जाता है आपको सिपाड़ा रेलवे गुमटी के पास में, यह भूपतिपुर के एरिया और यहाँ पे है आपको जो रैंप बनना है तो इसी लाइन में हम जाकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले देख लीजिए ये पुराना वाला मीठापुर की तरफ से ये आता है और ऊपर में ये आपको फ्लाईओवर है और जस्ट इसके रोड के उस साइड में आपको भूपतिपुर। तो चलिए अंदर से हम आपको रास्ता पर दिखाने को कहते हैं कि इससे कितना बना हुआ है।
तो ये पुराना वाला रास्ता है जिसके जरिए लोग ऊपर से उतरते हैं और इसे कच्ची रास्ता से होते हुए आगे की ओर जाते हैं और कुछ लोग जा रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और नीचे से यह जो है आपको फ्लाईओवर के लिए रैंप बनेगा, इस तरह से देख सकते हैं मिट्टी या बालू वगैरह सब गिरा के इस तरह से बैठाया जा रहा है और नाले का कुछ पानी है जो आपको दिख रहा होगा। पहले यहाँ पे काफी जंगल हुआ करता था, जिस तरह से समय आगे के बढ़ते जा रहा है, डेवलपमेंट का काम बढ़ता जा रहा है, उस तरह से इन पेड़ों को काटा जा रहा है और यहाँ पे साफ सफाई होने के बाद इस तरह से जो है एलिवेटेड रोड का वर्क है अभी तक वही है। और ये आपको भूपतिपुर की तरफ जाने के लिए रास्ता है और ये पहले से जो घर तोड़े गए हैं मीठापुर एलिवेटेड रोड डेवलपमेंट के लिए। और ये जो नाला है वो पहले पूरा तरह से है ना पानी भरा हुआ रहता था, लेकिन यहाँ मिट्टी भर भर के इस तरह से देख सकते हैं। और यह पाइलिंग का काम है और आगे में आपको हरिश्चंदन नगर जो भूपतिपुर के जस्ट बगल में होता है और जस्ट उसी के सामने तक है ना अभी मीठापुर मोहली का ये जो पिलर बनना है तो यहीं तक अभी वर्क हुआ है। इस साइड में नाला हो गया और इस साइड में देख सकते हैं यहीं तक वर्क हुआ है और इस साइड का जितना भी एरिया है हरिश्चंदन नगर का एरिया कहलाता है। और ये हो गया पिलर नंबर 3 और आगे हो गया पिलर नंबर 4, यानी पिलर नंबर 3, 2 और 1 इस तरह से मीठापुर की तरफ घटता जाएगा। ये हो गया पिलर नंबर 4। ये हो गया मीठापुर रेलवे गुमटी जो कि पहले का रेलवे फाटक रेलवे गुमटी जो भी कह सकते हैं। और बगल में देख सकते हैं इस तरह से ढलाई रोड बन चुका है और ये ढलाई रोड जो है आगे की ओर बनता हुआ चला गया है और बगल में ट्रेन भी आ चुकी है इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से ढलाई का वर्क हो चुका है ढलाई रोड का। और ये जो रोड है जो पिलर नंबर 4 है ना उसी के सामने से इस तरह से बंधा हुआ आगे की ओर गया है। तो चलिए अब आगे की ओर दिखाते हैं इसी रोड पे चल के कि आगे की सर से कितना काम हो पाया है। तो सिपाड़ा रेलवे गुमटी के पास में देख सकते हैं इस तरह से जो रोड है तो ढड़काव है, मतलब ये कह सकते हैं कि जमीन का जो उस साइड का जो सरफेस है वो डाउन है। और ये देख सकते हैं ये बराबर लेवल में चल रहा है। अब ये ढलाई का रोड भी देख सकते हैं आगे की ओर बना हुआ है। तो चलिए इसी रोड में आगे की बढ़ के दिखा। तो दोस्तों ये था मीठापुर से मोहली एलिवेटेड रोड का आपको मीठापुर से सिपाड़ा रेलवे गुमटी तक का मैंने दिखाया और अगला वीडियो नेक्स्ट दिन दिखाएंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसीलिए इसका पार्ट 2 अगले दिन आने वाला है।